Hi guys, welcome to Gil's Mentor Online E-Learning. We will discuss the most important GA part which will help you in the next examination, PUDDA exam and Group D examination, Loco Pilot examination, RPF sub-inspector and GD examination, SSE, GD, CGL and CHSL and all other examinations like IBPS examination. These questions are most important for you, so just write down, make your notes and learn. Please watch the video at the end and please subscribe and share this channel. आज हम बात करेंगे कि जो आपके अपकमिंग पेपर हैं उनके संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट होगा ये है हमारा फेस्टिवल के संबंधित. कि फेस्टिवल के संबंधित जो स्पेशल क्लास रखी गई है इसके जो क्वेश्चंस आपको पेपर में आते ही आते हैं. जो फेस्टिवल्स जो करंट अफेयर्स 2018 के हैं, कौन कौन से फेस्टिवल कौन कौन से स्टेट में हेल्ड हो चुके हैं, किसका ऑर्गेनाइजेशन होना है, क्यों मनाया जाता है, ये सारे बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे. आपसे गुजारिश है कि अगर आप सभी वीडियो की लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं, कोई भी अपकमिंग वैकेंसी की महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर कर दें. मैक्सिमम 10 से 15 बार आप शेयर कर दीजिए आपके फेसबुक पे, ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां हो सकता है, क्योंकि हमें आपका सहयोग चाहिए. हम दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों आपके लिए कर रहे हैं. हमें इंजॉय मानिए, हमें आनंद आता है, हम मेहनत कर रहे हैं. तो हमारा मकसद गिल्स मेंटोर का एक ही है कि अगर इस समाज के हम कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए तो वो है उनको अच्छा मार्गदर्शक देना. आज के समय के अंदर कोई किसी को फ्री नहीं पढ़ाता, लेकिन बहुत सारे चैनल पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाने के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं. आप जिस भी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी नोट्स की ज़रूरत है वो फेसबुक पेज गिल्ज एसएससी मेंटोर की फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ से आप कोई भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. मैक्सिमम आपको नोट्स हिंदी या इंग्लिश में मिलेंगे, पंजाबी लैंग्वेज के अंदर नोट्स नहीं मिलेंगे. ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं. इसके बाद में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, jgil1918 ये मेरा ट्विटर अकाउंट है. आपकी कोई भी क्वारीज है, हमारा स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. और आपकी कोई भी अपकमिंग पेपर किसी भी तरीके का डाउट हो निश्चिंत आप क्लिक करके ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं. वो सबके लिए ओपन है, बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस वीडियो जो आपको लिंक दिया जाएगा कोई भी विद्वान बंधु उसमें अननेसेसरी वीडियो अननेसेसरी इमेज मैसेज नहीं डालेंगे. ये आपसे हाथ जोड़कर हम गुजारिश करते हैं. चलिए शुरू करते हैं फेस्टिवल करंट अफेयर 2018 का. जो क्या है मुख्य और क्या है पहली हेडलाइन, वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा सेलिब्रेटेड इन ओडिशा. आपसे पूछा जा सकता है अपकमिंग पेपर में कि फेमस रथ यात्रा सेलिब्रेट किस राज्य में हुआ है, उड़ीसा के अंदर हुआ है. अब आपसे उड़ीसा के स्टैटिस फैक्ट पूछे जा सकते हैं, तो मैं इनके स्टैटिस फैक्ट आपसे शेयर करता चलूंगा. मनाया गया तो बात करें कि क्यों मनाया जाता है. पुरी लोड जगन्नाथ इज द वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा एंड फॉलिंग इन July 14. तो आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी प्यारे बच्चों, सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का विश्व का सबसे फेमस सबसे मशहूर रथ यात्रा सेलिब्रेट किस राज्य में हुआ है. तो उड़ीसा याद रखना क्यों है. दिस यात्रा इज कंडक्टेड फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल टू, आपसे पूछा जा सकता है कि गुंडीचा टेम्पल. अपार्ट फ्रॉम इंडियन दिस फेस्टिवल अटैच्ड ए लार्ज नंबर ऑफ द इंटरनेशनल टूरिस्ट्स इन पुरी. याद रखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नेम क्या है और यहाँ का गवर्नर कौन है. आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ के गवर्नर का आपको नेम बताना है SC जामीर. मैं लिख देता हूँ SC जामीर, नोट कर लें. पेपर में पूछा जा सकता है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है. अब आपको बताना है उड़ीसा की कैपिटल सिटी क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे. नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं. नेक्स्ट हेडलाइन है वैदिकलम फेस्टिवल हेल्ड इन मेघालय. अब मेघालय के स्टेटिस फैक्ट आपसे मैं पूछूंगा, लेकिन उनसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम जान लेते हैं. मैं चीफ मिनिस्टर आपसे पूछूंगा एंड इसके गवर्नर कौन है वो पूछूंगा. बात आती है प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर आप इंग्लिश की क्लास रेगुलर कर दीजिए,
विद्वान बंधुओं, हम बहुत ही जल्दी आपके लिए सारी की सारी क्लासेस लाइव शुरू करने जा रहे हैं, बस हमें कुछ वक्त दीजिए आप। जो आपसे मैंने क्वेश्चंस पूछा है वो प्लीज़ आप जरूर ध्यान में रखें कि आपकी जितनी भी क्वारीज हैं, जितनी भी आपकी कोई नोट्स बनाने हैं उसके संबंधित आप हमसे जानकारी पूछ सकते हैं। द फेमस 4 डे मेघालय एनुअल कल्चरल द पेरीफेरल टाउन ऑफ जुवाई मेघालय, यानी जुवाई मेघालय के अंदर एक जुवाई जगह है। यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अटेंड किया था इस फेस्टिवल को, और ये बड़ा कलरफुल डिस्प्ले हुआ है। 12 रूट्स ऑफ द रथ एट द सेक्रेड फूल ऑफ एटनार। तो आपसे ये पूछा जा सकता है बहदीखलम फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था मेघालय में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है विद्वान बंधुओं कि मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आप उनका याद रखना कि कॉनरेड संगम इनका नेम याद रखना है आपने, कॉनरेड संगम, ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, या इनका नाम सगमा भी बोला जाता है। वो आती है यहाँ पर कि नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं। 3 डे एनुअल, 3 दिन का जो साल के 3 दिन ये सेलिब्रेट हुआ है, फेस्टिवल रखा गया था, सिंधु दर्शन फेस्टिवल बिगिन इन जम्मू एंड कश्मीर। पूछा जा सकता है सिंधु दर्शन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ था, तो J&K में। सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड यहाँ पर जो नेशनल दिया है, इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, इंटीग्रेशन एंड कम्युनली ऑफ हार्मनी एट नेशनल प्राइड। सो आपको याद रखना है कि इस फेस्टिवल का 22वां एडिशन था ये, तो ये फेस्टिवल आयोजित हुआ है। जो पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे LK अडवाणी 1997, इन्होंने इसको शुरू किया था। इसके बाद में नेक्स्ट हेडलाइन पर चलते हैं। मेन इवेंट ऑफ 4th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन टू बी हेल्ड एट देहरादून, कहाँ पर मनाया गया है वो कृपया आप जरूर लिखेंगे। इनके चीफ मिनिस्टर और यहाँ के गवर्नर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपने बताना है। अब ये क्यों मनाया जाता है आपको मालूम होगा कि कब मनाया जाता है। आपसे पेपर में एक ही बात पूछी जाएगी, चलो मैं बात बता देता हूँ। जो देहरादून है ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्यारे बच्चों आपको बताना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह, पहले थे हरीश रावत थे, तो रावत भी यही हैं। इसके बाद में कृष्ण कांत पॉल यहाँ के कौन है, कृष्ण कांत पॉल यहाँ की। कब मनाया जाता है, तो 21 जून को एवरी ईयर। और UNO के अंदर ये बात करें, इंटरनेशनल योगा दिवस है, नेशनल नहीं है ये। सेक्रेटरी आयुष मिनिस्ट्री विद्या राजेश कटीचा अनाउंस दैट देहरादून हैज बीन सिलेक्टेड एज द वेन्यू ऑफ मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। मिस्टर कटीचा इज ए देहरादून टू इनिशिएट द प्रिपरेशंस रिगार्डिंग दिस मेगा इवेंट। आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने यह बताना है। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी, बेस्केट यात्रा नेपाल, कहाँ पर है, नेपाल में। ये कब, कितने दिन है, ये 9 डेज, यानी साल के अंदर 9 दिन तक ये फेस्टिवल। यात्रा बिगिन इन नेपाल, इट इज बिलीव्ड दैट द फेस्टिवल स्टार्टेड टू ड्यूरिंग द माला डायनेस्टी। जो माला डायनेस्टी है वो लोगों के द्वारा ये सेलिब्रेट होता है, वहां के लोकल एरिया है, भक्तापुरा है और अदर पार्ट ऑफ जैसे कि काठमांडू वैली है। काठमांडू आपको पता है नेपाल की क्या है, राजधानी है। तो 9 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है और नेपाली इसको मानते हैं कि न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ट्रिब्यूट्स टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया को ट्रिब्यूट्स किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। अब उनकी कितनी अगर बात करें कि बर्थ एनिवर्सरी थी, तो बर्थ एनिवर्सरी के बारे में आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जिन्हें हाल ही के अंदर डॉक्टर राम मनोहर ने ट्रिब्यूट्स किया उनको, तो कितनी थी, तो याद रखना 20th, कितनी थी 20th। कौन थे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैव पेड द ट्रिब्यूट्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। डॉक्टर लोहिया डेडिकेट्स हिज लाइफ टू द क्वाइट ऑफ जस्ट एंड फेयर एंड एलिग्रिटेशन इन सोसाइटी एंड रिमेन्स एज द इंस्पिरेशन ऑफ द
वेलफेयर ओरिएंटेड गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट हेडलाइन पे बात करते हैं। 44th खजुराहो डांस फेस्टिवल हेल्ड इन मध्य प्रदेश। 44th, अब 44th की यहां तक बात हो रही है, 44th खजुराहो, तो खजुराहो टेंपल कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के स्टेटस फैक्ट, यहां का चीफ मिनिस्टर और यहां का गवर्नर आपको बताना है। चलिए कोशिश ये करें कि आप कमेंट बॉक्स में, जब भी आपसे निवेदन करता हूं मैं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिस भी विद्वान बंधु ने ये वीडियो देखा है आप जब अवश्य लिखें, क्योंकि उस बच्चे को जानकारी मिल सकती है जिसको इसके बारे में नहीं मालूम होगा। हालांकि ये बेसिक बातें हैं जो रिपीट होती हैं, हर टाइम रिपीट होती हैं, हमें आनी चाहिए, लेकिन हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हमें नहीं पता होता। चलिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के कौन है, गवर्नर है। 44th एडिशन था खजुराहो डांस फेस्टिवल 2018 में हेल्ड हुआ है। खजुराहो टेंपल, जो कि खजुराहो टेंपल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मध्य प्रदेश में है, उसमें आता है, यूनेस्को के अंदर हेरिटेज में है। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय कल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई। चलिए खजुराहो डांस फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल दैट हाईलाइट्स द रिचनेस ऑफ वेरियस इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स। द सिक्स डे फेस्टिवल शो कास्ट द क्लासिकल डांस इंक्लूडिंग कथक, ओडिसी एंड भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी एंड कथकली एंड मणि नृत्यम। तो प्यारे बच्चों, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ है, तो आपको मध्य प्रदेश बताना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन था, तो 44th एडिशन था। इसका इनोग्रेशन किसने किया, आनंदीबेन पटेल ने। आनंदीबेन पटेल कौन है, गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट में गवर्नर है, किसके हैं, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो आपको पूछा जा सकता है, तो आपने क्या बताना है, इनका नेम है, तो आप ऑप्शन के अंदर टिक करके अवश्य बताएं, शिवराज सिंह चौहान। चलिए अब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि इसमें सिक्स डे जो फेस्टिवल शो कास्ट हुआ है, तो बताइए इसके अंदर कौन कौन से डांस इंक्लूड थे, तो कथक, उड़ीसी, इनके नेम आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस फेस्टिवल हेल्ड इन चाइना। अब चाइना के स्टेटस फैक्ट की बात है, तो चाइना के स्टेटस फैक्ट मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अवश्य इसके बताएंगे। चाइना के स्टेटस फैक्ट की बात करता हूं, मैं आपसे पूछूंगा कि चाइना का प्रेजिडेंट का नेम क्या है, यहाँ के पीएम बताइए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के कैपिटल सिटी बताइए, क्योंकि कैपिटल सिटी के साथ में ये बताइए कि मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि यहाँ पर हेडक्वार्टर AIIB का है या यहाँ पर ADB का है, ठीक है। तो मैं आपको ये दो ऑप्शन दिए हैं, इसके अलावा मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है, क्या यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज है उनका हेडक्वार्टर है, या मैं बात करूं यहाँ पर WHO का हेडक्वार्टर है। तो आपको इस सभी तथ्यों के बारे में इंक्वायरी अच्छे से करके और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस फेस्टिवल इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन हार्बिन चाइना। दिस इज वन ऑफ चाइनाज कोल्डेस्ट सिटी इन द विंटर। इट इज द 34th एनुअल आइस फेस्टिवल इन हार्बिन नॉर्थ ईस्ट। बात करें कि नॉर्थ ईस्ट चाइना, तो ये आपको याद रखना है, पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, वन लाइनर पे बच्चों याद रखना है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस फेस्टिवल हेल्ड कहां पर हुआ है, चाइना में हुआ है। नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते हैं, गोवा टू होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ द साइंस फिल्म फेस्टिवल। साइंस फिल्म फेस्टिवल किस राज्य में हुआ है, ये गोवा में हुआ है। कितने दिन चला था ये, माफ कीजिएगा, आपको याद रखना है कि थर्ड एडिशन था। चलिए इसका टाइटल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो गोवा ने इसको होस्टिंग किया था, थर्ड एडिशन ऑफ द साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियन जनवरी 2018 में किया है। द फेस्टिवल टाइटल SCI एंड FFI गोवा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट बेस्ड ऑन स्टेटस फैक्ट। पूछे जा सकते हैं कि गोवा के आप बताइए कि चीफ मिनिस्टर कौन है एंड गवर्नर कौन है। तो गोवा की बात करें तो गोवा के बारे में आपको डिटेल मालूम होनी चाहिए प्यारे बंधुओं। तो गोवा के बारे में मैं आपको एक सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, कृपया आप थोड़ा सा रिमाइंड करके मुझे जल्दी से बताने की कोशिश करें। चलिए आपको मालूम होना चाहिए कि गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, जो फॉर्मर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पे, प्रेसिडेंट इनोग्रेटेड 100th इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस। प्रेजिडेंट ने 100वीं भारतीय इकोनॉमिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया गया है। भारत के प्रेजिडेंट का नाम है रामनाथ कोविंद।
100वीं एनुअली वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एसोसिएशन एट आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी इन गंटूर ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इसका इनोग्रेटेड किया गया है। ये 4 दिनों तक चलेगा। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड बॉडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्रोफेशनली विद एन, माफ कीजिएगा, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ए फॉर्म ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन अ पॉलिसी ओरिएंटेड इशू। ये होता है यहाँ पर, तो आपको अच्छे से ख्याल रखना है कि 100वीं भारतीय इकोनॉमी एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर इनोग्रेटेड की गई है, तो गंटूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। अब आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर एंड यहाँ के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट आर्टिफैक्ट की बात करते हैं, महेश शर्मा इनोग्रेटेड द प्रभा बिसम टेक फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज। नेक्स्ट पर फिर रिपीट कर रहा हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर महेश शर्मा ने इसको उद्घाटन किया है। इसका 3 दिनों तक चलेगा, ये बुद्धि पर्व है जिसको बुद्धि पर्व कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये याद रखना कि बुद्धि पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बिसम टेक फेस्टिवल है, ये बुद्धिस्ट हेरिटेज है, न्यू दिल्ली में किया गया है। भारत कहते हैं कि इंडिया इज होस्टिंग द बुद्धि पर्व बिसमेट फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज फ्रॉम 8 से 10 दिसंबर 2017 में ये किया गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगली हेडलाइन है, नेक्स्ट है कथकर दिल्ली, कहां पर किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। प्यारे बच्चों वन लाइनर याद रखना आप इसको, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, यहां पर इसका फेस्टिवल का हेल्ड हुआ है, इसको यहां आयोजित किया गया था। इट वॉज इनोग्रेटेड बाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू ने इसका इनोग्रेट किया था। द पार्टनर्स ऑफ दिस एडिशन ऑफ द 3 डे फेस्टिवल इन IGNACA का मतलब बनता है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर इन न्यू दिल्ली हेरिटेज ट्रांसपोर्ट एंड म्यूजियम द गुरुग्राम एंड नेशनल सेंटर ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट एंड NCPA। इट मीन्स NCPA का मतलब नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई। इट इज स्पेशल इनिशिएटिव टू प्रमोट द ओरल स्टोरी टेलिंग एंड ट्रेडिशन विच हैज एक्साइटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइन आपके लिए। नेक्स्ट हेडलाइन, नागालैंड सेलिब्रेट्स 54th द स्टेटहुड डे, यानी कहें कि पूर्ण तौर पर स्टेट नागालैंड ने इसको इसका 18वां हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया था। नागालैंड के स्टेटस फैक्ट आपको बताने, यहाँ का चीफ मिनिस्टर यहाँ का गवर्नर कौन है। नागालैंड ने बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कि ऑल द सेट ऑफ सेलिब्रेटेड 54th स्टेटहुड डे एंड 18th ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2017 टुडे एट द नागा हेरिटेज विलेज इन किसामा। बात समझ में आ गई। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हु इज ऑन ए मेडन विजिट ऑफ स्टेट विल ग्रेस द ओकेजन एंड इनोग्रेटेड द 10th डे स्टेट एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल 2017। तो ये आप बस आपको इतना याद रखना है, बाकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको नोट करना है आप अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और भी नोट कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। नेक्स्ट हेडलाइन है प्यारे बच्चों कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रीचेस द इम्फॉल टू इनोग्रेट द मणिपुरी संघाई फेस्टिवल। मणिपुरी संघाई फेस्टिवल इनोग्रेट करने के लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कहां पर गए, तो आपको बताना है इम्फॉल। चलिए 17 दिस आफ्टरनून He was accorded to the warm welcome at the Imphal Airport by State Chief Minister of। आपको इनका नेम अच्छे से याद रखना है प्यारे बच्चों, मैं इसको हेड पूरा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रखना है। पेपर में अक्सर बार ये NB Singh पूछा जाता है, NB Singh एंड कैबिनेट कलीग्स जितने भी थे फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडलाइन पे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनोग्रेटेड द आदि महोत्सव इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर आदि महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनोग्रेटेड द आदि महोत्सव द फोर्टनाइट द लॉन्ग ट्राइबल फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्प्रिट ऑफ ट्राइबल कल्चर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इस फेस्टिवल की थीम क्या थी, बाकी आपको आगे कुछ नहीं याद रखना है।
डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं पूरे के पूरे हेडलाइन, अदरवाइज आपको वन लाइनर याद रखना है। तो ये थे आपके वीडियो फर्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसी के साथ पार्ट बी में हम पेश कर रहे हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए।